इतनी गर्मी है यार, आपको पता है तो इस गर्मी में ना डकी भाई की वीडियो से ना हम डकी भाई की वीडियो देख के ठंडक हासिल करेंगे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो नशा जैसा कर लिया है, अब मैं फ्रेश हो गया हूँ। तो आज का जो है ना कोई प्लान करते हैं, शाम को जाएंगे कहीं पे बाहर। और आज की हमने जो वॉकर ली थी वो वॉकर जो है ना वो टूट गई है, उसका लॉक टूट गया, तो वो लॉक ठीक करवाने जाएंगे। दूसरा मेरे हाथ में आजकल दो तीन चार दिन से काफी दर्द है, तो ये जाएंगे शाम को, देखते हैं कोई मालिश वगैरह ढूंढते हैं, उससे मालिश वालिश करवाएंगे। समझ रहे हो आप? एनीवे गाइस, यार अगर तुम लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कोशिश करो कि उसको सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक किया करो ताकि आपको नया आने वाला व्लॉग जरूर मिल सके। और मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मेरे बड़े जबरदस्त व्लॉग आएंगे, इंटरेस्टिंग और एंटरटेनमेंट, और आप लोगों के लिए कुछ गुड न्यूज भी होंगी। तो चल झूठा, जरूर सब्सक्राइब करो प्लीज क्रेशी व्लॉग्स को ताकि आप हमारा व्लॉग ज्वाइन कर सकें। और अभी हमारी लाइट गई हुई है लेकिन बाहर से रोशनी थोड़ी बहुत आ रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर बहुत अंधेरा है, तो जो यूपीएस था वो भी बंद हो चुका है, डेड हो चुका है। और आज का सुना है मौसम बड़ा जबरदस्त है पिंडी का, तो आए देखते हैं बाहर मौसम कैसा है। बाहर तो बड़ी गर्मी है यार, मैं सुना था बड़ा अच्छा मौसम है, तो धूप निकली हुई है, लेकिन इस धूप के मौसम में अब गर्मी को दूर करने के लिए आप क्या करना चाहिए, आप सबको पता है कि हम क्या करेंगे। तो देखते हैं इस गर्मी को कैसे दूर करें हम, बहुत सख्त गर्मी है मेरे ख्याल से, तो टेम्परेचर 41-42 है। इतनी गर्मी है यार, आपको पता है तो इस गर्मी में ना डकी भाई की वीडियो से ना हम डकी भाई की वीडियो देख के ठंडक हासिल करेंगे। हाँ, बड़ी ठंड होगी यार, बड़ी ठंड होगी है। डकी भाई की वीडियो से आपको पता है सुकून मिलता है, आपको पता है डकी भाई की वीडियो गर्मी में जो है ना ठंडक पहुँचाती है, तो आज डकी भाई की वीडियो सब ठंडक पहुँचा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसा मैं जो ना दिसंबर की सर्दियों में आ गया हूँ, डकी भाई की वीडियो देख के और ठंडक मिल गई है और सुकून मिल गया, और ऐसा लग रहा है बंदा जो है ना सर्दियों में आ गया हूँ। यार तुम लोग देख सकते हो कि डकी भाई की वीडियो देखने के बाद मौसम कितना औसम हो चुका है। चल झूठा, सुबह इतनी गर्मी थी और 42 टेम्परेचर था, और अब माशाल्लाह से देखो बारिश शुरू होगी और मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो चुका है। और मैं भी अभी खड़ा हूँ यहाँ पे, मौसम इंजॉय कर रहा हूँ, और नीचे वो देखो आदि कुरेशी बैठा हुआ है। आदि देखो आदि बैठा हुआ है नीचे, और ये मेरा भांजा है नहीं और ये नीचे बैठा हुआ है, गली इंजॉय कर रहा है, और सामने लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो चुका है। तो यार तुम लोग जो है ना कसम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो मज़ा नहीं आ रहा, तो रहन दो फिर तो जो है ना अभी मैंने जाना था अपने हाथ का अंगूठा जो है ना मेरा दर्द कर रहा है पहलवान के पास, लेकिन बारिश बड़ी तेज़ लग चुकी है और पता नहीं अब जा पाता हूँ मैं कि नहीं। और आज की तो आज जो है ना वाकर भी हमने जो है ना सही करवानी थी, लेकिन देखते हैं बारिश रुके तो फिर जाते हैं, बारिश क्योंकि बहुत तेज़ लग चुकी है, अभी जाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है क्योंकि मैंने बाइक पे जाना है, तो आपको पता है बाइक पे जाना मुमकिन नहीं है, तो माशाल्लाह। लेकिन मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो चुका है, आप मौसम इंजॉय करें। यार बड़ी ज़बरदस्त बारिश शुरू हो चुकी है, और बारिश के साथ जो है ना ओले भी पड़ रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि यार कसम से बहुत गर्मी थी और बारिश पड़ने से जो है ना मौसम अच्छा होगा, क्योंकि सुबह के टाइम तो 42 टेम्परेचर पड़ा होता है और गर्मी आपको पता है बहुत ज़्यादा है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बारिश होने से अब मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा। और बारिश बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, आप देख सकते हैं इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। The next day. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज है जी जुम्मा, और आपका भाई हो गया है तैयार, और मैं जा रहा हूँ जुम्मा पढ़ने के लिए, और जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे, गपशप लगाते हैं। यार नमाज पढ़ ली थी हमने, और नमाज पढ़ के मैं आ गया था घर, अब लगी है भूख, अब हम खाएंगे खाना, और खाना छाना खा के फिर हो सकता है कुछ निकले बाहर उठ जाए, और जो काम शाम हमने करने हैं वो हम करेंगे। अभी अब बड़ी भूख लगी हुई है, खाना खाना बड़ा ज़रूरी है, और खाने में पके आज दाल चावल जो बड़े ज़बरदस्त और मेरे फेवरेट, खाते हैं खाना और फिर मिलते हैं खाने के बाद आपको। One hour later. तो यार खाना शाना खाने के बाद मैं निकला हूँ अब घर से, आज की वाकर शाकर सेट करानी है, और वाकर सेट कराने के बाद जो है ना ये अंगूठा जो मेरे हाथ का जो ख़राब हुआ हो ये भी किसी मालजी के पास जा रहे हैं, तो मालजी जल जी को ढूंढते हैं, अंगूठा जूठा सीएस कराते हैं।
मरना है क्या भोसड़े के साथ? फाद कुरैशी को लेके जा रहा हूँ मैंने कहा। फाद कुरैशी ने पीछे वाकर पकड़ी है, किधर चेक कराओ जी फाद साहब वाकर। ये देखे फाद कुरैशी ने वाकर पकड़ी है, पीछे बैठा हुआ और अब हम जा रहे हैं तो मानसी जल जी पहले ढूंढते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे वाकर वाले के पास, वाकर शर्ट कराएंगे तो फिर मिलते हैं वहाँ पर जाके आपको। तो वाकर वाली दुकान पर मैं आखिरकार पहुँच गया उस पठान के पास वाकर शर्ट कराने के लिए, तो मिलते हैं पठान से। हाँ जी क्या हाल है मेरे आटे? हेलो, ये खान साहब के पास हम आ गए वाकर देखो ठीक कराने के लिए। इसका लॉक टूट गया है, एक दफ़ा हमने इस्तेमाल नहीं की और खान की वाकर का लॉक टूट गया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो अब देखते हैं खान क्या करता है, इसको सेट सेट करवाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये खान साहब चेक कर रहे हैं इसको वाकर को और खान साहब कह रहे हैं जी ये तो अभी ठीक नहीं हो सकता, ये बड़ा मसले की बात है, ये बहुत लंबा काम है। हाँ जी कितना लंबा काम है इसका? इतना काम नहीं है कदर, लेकिन ये है कि अभी का काम नहीं, आज जो है जुमा है दुकान बंद है, तो आज आप क्यों लेके आ गए इसको? चल झूठा, इसको मैंने कहा सही करके दो, अब पता नहीं क्या अब ये जा रहा है किधर, वो ढूंढ के लाओ उस बंदे को, ये अब जा रहा है किसी के पास, अब अल्लाह करे वाकर ठीक हो जाए, और वाकर ठीक होगी तो वो आज इसमें बैठ के फिर टूरेगा। तो ये जो है ना अब खुद ही ठीक कर रहा है, पहले मुझे कहा जी कल आना मैं बंदे से ठीक करा के दूंगा, लेकिन अब नहीं कहता जी मैं खुद ठीक कर लेता हूँ, पेज छेज खोल के जो है ना इसके खुद ही ठीक करने के चक्करों में, जुगाड़ लगाने के चक्करों में, जुगाड़ लाने वाला काम पाकिस्तानी जो करते हैं ना ये बड़ा गलत काम है वैसे। नहीं खान जी जुगाड़ नहीं लगाना, अच्छा इन तो वाज बैठेगा तो नीचे ना गिर जाए ये ना। तो अब ये सेट शर्ट कर रहा है, कहता मैं खुद ही सेट करके देता हूँ आपको, कल आना पड़ेगा वरना फिर दोबारा से। अब ये सेटिंग शेटिंग करेगा इसकी बेहतरीन किस्म से, है बड़ा जबरदस्त आदमी है ये। क्या बोला तूने? ये जफर आकम भाई आ गए हमारे। ये जफर आकम भाई क्या हाल है, ठीक हो? सेहत ठीक है आपकी? पहले वाला व्लॉग ठीक था हमारा? अच्छा आपकी तबीयत भी ठीक है? चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और काम चम खैरियत है? सेहत ठीक है। तो यार खान साहब ने जो है ना जफर भाई ने हमें साइकिल फिट करके दे दी है, बड़ी जबरदस्त होगी आप ये नहीं। ये हसन खान है, इसने साइकिल ठीक की, ये जफर भाई बैठे हैं माशाल्लाह, ने हमें चाय शाय पिलाई है, खिदमत शिदमत की है माशाल्लाह, बड़े हमारे अच्छे भाई हैं। तो जो लोग भी व्लॉग हमारा देखते हैं कोशिश करें कि इनकी दुकान पे आए और साइकिलें शाइकिलें लें, और माशाल्लाह इनके डिस्काउंट भी, ये हमारे चैनल से जो आएगा उसको जफर भाई डिस्काउंट भी देंगे, क्यों जफर भाई? बिल्कुल, जफर भाई ने 30% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, वाह जी, ये देख लें कि हमारे चैनल की वजह जफर भाई कितना डिस्काउंट दे रहे हैं आप। तो कोशिश करें कि जरूर इनकी शॉप पे विजिट करें और इनसे कुछ साइकिल शाइकिलें परचेज करें। तो यार वाकर ठीक करवाने के बाद अब हम जा रहे हैं घर, और वो अंगूठे वाला तो मुझे मिला नहीं, मैंने अंगूठा सेट कराना था, उसकी तो दुकान ही आज बंद है, कह रहे हैं जुमा, अंगूठे में बड़ा दर्द है, अंगूठा मालिश करवानी थी। तो अब वाकर सेट होगी, अब जाके इसको वाज को बैठाएंगे इसके ऊपर और वाज फिर टूरेगा। साथ फाद कुरैशी पीछे बैठा हुआ है और हंस रहा है। तो जाते हैं अब घर और फिर मिलते हैं आपको घर जाके। तो यार मैं बाहर आया था कुछ लेने के लिए खाने के लिए, तो यहाँ पे एक अंकल चाचा जी चीज़ें लगा के बैठे हैं, ये देखे ज़रा आप, ये कोई खिलौने से हैं, इसको बोलो रुक जाओ तो रुक जाते हैं, इसको बोलो चल जाओ तो चल जाते, ऊपर हो जाओ, ये देखा ना कितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आ गई, नीचे आ गए सो जाते हैं। तो ये हमारे चाचू जी हैं जी, बैठे हुए हैं फूड स्ट्रीट में, तो आपका जब भी चक्कर लगे तो इनसे ये जरूर परचेज करें, ठीक है चाचू जी? मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। तो यार फाइनली मैं घर आ चुका हूँ और बहुत थक गया हूँ और सारे काम आज के कर लिए, सिर्फ सोया एक अंगूठा मेरा नहीं सेट हुआ क्योंकि वो मालिश वाला मुझे मिला नहीं है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो बस जो है ना आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और लाइक भी करें हमारे चैनल को। ये देखो कितने बच्चे कह रहे हैं कि अब सब्सक्राइब करें, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं फिर आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।